ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड डिजिटिविटी मैथ्स के लिए कमेंट वीडियो नंबर 24। कमेंट आया था वेक्टर के सॉल्यूशन में, मोस्ट क्वेश्चन वेक्टर के सॉल्यूशन का वीडियो नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अल्फा की वैल्यू फाइंड करना था, तो वहाँ पे कमेंट था, वहाँ पे हमसे ही थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है। तो वहाँ पे जो अल्फा के ऑप्शन थे क्वेश्चन में, अल्फा इक्वल टू पाई बाई टू हमने ऑप्शन नहीं दिए थे, दूसरा ऑप्शन अल्फा लेस देन टू पाई बाई थ्री, तीसरा ऑप्शन था अल्फा ग्रेटर टेन टू टू पाई बाई थ्री, एंड चौथा ऑप्शन था यानी कि डी ऑप्शन था अल्फा इज़ लेस देन टू टू पाई बाई थ्री। तो ऑप्शन ये आ रहा है तो हमने लिख दिया था पाई बाई थ्री टू टू पाई बाई थ्री के बीच में लाई कर रहा, ठीक है। तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा। तो कमेंट्स वीडियो नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन था इसमें ए एंड बी आर द टू यूनिट वेक्टर, ए एंड बी टू यूनिट वेक्टर है, इंक्लिनेशन एट एंगल अल्फा यानी उनके बीच का इंक्लिनेशन एंगल अल्फा है। देन एक कंडीशन दिया था वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1 एंड अल्फा इज लाइक देन टू 2 पाई बाई 3 आना है, ठीक है। सॉल्यूशन में ए प्लस बी का जो मोड है अंडर रूट लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी के, ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी होगा। तो यहाँ पे यूनिट है 1 प्लस का 1 ए डॉट बी यानी ए बी को सल्फा हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस का 2 इंटू 1 इंटू 1 कोस अल्फा। तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 2 कोस अल्फा, 2 कॉमन निकालेंगे तो अंडर रूट 2 कॉमन 1 प्लस का कोस अल्फा, ठीक है, 1 प्लस कोस अल्फा। अब कंडीशन जो दे रखा है यहाँ पे ये हो जाएगा बाई टू में इसको चेंज कर देंगे टू 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो यह हो जाएगा अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, 4 कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू यानी कि 2 कोस अल्फा बाई टू, 2 कोस अल्फा बाई टू। क्वेश्चन जो दिया है ए प्लस बी का मोड लेस देन टू 1 है, यानी ए प्लस बी के मोड की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 2 कोस अल्फा बाई टू आया, तो 2 कोस अल्फा बाई टू लेस देन 1 यानी कि कोस अल्फा बाई टू लेस देन टू 1 बाई टू, 1 बाई टू यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो 1 बाई टू जो होता है कोस पाई बाई कोस पाई बाई थ्री होता है, कोस अल्फा बाई टू यानी कि अल्फा बाई टू इज लेस देन टू पाई बाई थ्री, अल्फा लेस देन टू टू पाई बाई थ्री ये आएगा। वहाँ पे जो लिया है ना पाई बाई थ्री टू अल्फा, वो क्वेश्चन हमने देखा था इस तरह से है परंतु वो सेट नहीं कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, केवल इसका एक ही ऑप्शन निकल पाएगा अल्फा इज लेस देन टू टू पाई बाई थ्री, ठीक है। हमने इस पर कई बार ट्राई किया वो नहीं निकल पा रहा है, और जो है इसका मतलब क्वेश्चन में भी कुछ गलती है, हमने भी लिख दिया था और लगाने का प्रयास किया नहीं हो पाया है, और इसका मतलब वहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो इसका ऑप्शन डी ऑप्शन अल्फा इज लेस देन टू टू पाई बाई थ्री ही होना चाहिए।